अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं ज़ुहैब हसन सारा की नमाज़ अलहमरा आर्ट कौंसल लाहौर की जानिब से सारंगी की पाँचवीं क्लास के सिलसिले में आपसे मुखातिब हूँ। हमने आखिरी चौथी क्लास में राग भैरव में एक एक्सरसाइज की थी और मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगी। मैं एक बार फिर उसको दोहराता चलूँ कि वो एक्सरसाइज कब तक शुरू हो रही थी। रे रे गामा गा रे सा नी सा सा। तो ये आपने की एक्सरसाइज के दो हिस्से थे, दोनों हिस्से हमने किए। सा हरे हरे गामा गा रे सा नी सा सा दा पा गामा गा रे सा नी सा सा। ये किया था हमने लास्ट सेशन में। और हमने सरगम का एक क्लासिक अम्बसरी स्टाइल से सा रे गा मा दा नी सा रे सा नी दा पा मा गा रे सा, एक हमने ये किया था। आज मैंने जो अभी हमारा आज का सेशन शुरू करने से पहले जो मैं कंपोजिशन बजा रहा था, इट इज़ वेरी फेमिलर इन आवर रीजन इन क्लासिकल म्यूजिक और सब कॉन्टिनेंटल। तो ये कॉम्पोजिशन थी अल्लाह। पहले मैं आपको गा कर सुनाता हूँ थोड़ा सा। मेरा गला इतना ख़ास नहीं, ना मेरा गाना शोभा ही है, मैं एक सरंगी नवाज हूँ, लेकिन आपके लिए ज़रूर थोड़ा सा गुनगुनाऊँगा। इसको गाने के बाद मैं इसको आपको इसकी नोटेशन बताऊँगा। अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह चले शानो अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह चले शानो अल्लाह तेरा ना मलिया मेरी हो वे तसल्ला अल्लाह हो अल्लाह जले शानु अल्लाह अंतरा तू रही मा तू करी मा तू रही तेरा नाम लिया मेरी हो वे तसल्ला अल्लाह हो अल्लाह जले शानो अल्लाह। तो जो इस कॉम्पिटिशन का ताल है, मतलब इसकी बीट है, वो 10 मात्रे हैं और सर्कल इसका 10 मात्रे का है। तो ये जिसकी वर्ड्स हैं वो है धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस धिन ना धिन धिन ना तिन ना धिन धिन ना। और जो लफ्ज़ मौसिकी है वो दो चीज़ों का मुरकब है, मतलब के सुर और लय, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जब ये मिल जाती हैं या इनका इकट्ठा होना या इन दोनों को मिक्स करके कुछ बजाया जाता है, जैसे हम ये बजा रहे हैं कि मैं सुर भी लगा रहा हूँ और वो तबला भी बजा रहा है, तो ये मौसीकी बन जाती है। अच्छा, सुर व्हाट इज़ सुर, व्हाट इज़ द नोट, नोट इज़ फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी या नोट है वो मोहताज नहीं है किसी ट्यूनर का या किसी रेफरेंस का। आप कुछ भी बोल रहे हैं, कई दफ़ा आप बातों बातों में कहते हैं यार ये तुम किस सुर से बोल रहे हो, तो आप कोई भी सुर, सुर तब तक सुर नहीं है जब तक उसके पीछे या आगे उसकी तरतीब ना मुरतब ना कर ली जाए। मीन्स के ये देखें, ये कोई सुर नहीं है, ये सुर तब है अगर मैं इसको
सा इस मीन के ये सुर है, या सारे इस मीन के ये सुर है, सा ये कोई सुर नहीं है, जब तक कि उसके आगे या पीछे बीट भी ऐसे ही है कि अगर आप टिन करते हैं या धा करते हैं तो वो एक नहीं है। एक वो तब है जब वो लय में है, लय में कैसे है, जब तक उसके साथ दूसरा बीट शामिल नहीं होगी वो लय में नहीं होगी, तिन टिक टिक ये लय है तो ये बन जाएगी बीट, तो इसको काउंट हम दो ही करेंगे लेकिन ये अकेली काउंट नहीं होगी। ऐसे सुर भी अपनी नौजत में अकेला, अच्छा सुर जो हम फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो हमारे सुर बन जाते हैं सारे, ये फ्रीक्वेंसी ऊपर चढ़ाई है तो रिकव रे गा, ये फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ से जैसे आप इसको मतलब फ्रीक्वेंसी चढ़ा सकते हैं तो आप उससे सुर बजा कर बना कर देख सकते हैं। तो ये 10 मात्रे का ताल था और मैंने आपको जो कॉम्पोजिशन बताई थी अल्लाह हो अल्लाह जले शान वाला, इसकी मैं नोटेशन करता हूँ। कोशिश करते हैं कि आज 5वें लेसन में हम राग भैरव को कंप्लीट कर लें। तो मेरा मैं कोई वोकलिस्ट नहीं हूँ, गला भी मेरा ऐसा है। अल्लाह हो अल्लाह नीधा नीधा पा दामा पागा मारे गा मारे सा, अल्लाह हो अल्लाह जले शान अल्लाह, इसका मैं शुक्र निधा निधा पादा मा पागा मारे गा मारे सा, तेरा नाम लिया तेरा नाम लिया मेरी होवे तसल्ला, सारे गामा पा दा पा दा दा नी जा नी दा पा नी दा नी दा पा गामा गामा नी दा नी दा पा, ये कंडीशन अंतर की कंडीशन बताते चलूँ। तू रहीम तो करीम गामा दा दा नी नी रे सा, तू गफार तू जबा दा दा नी नी सा सनी रे सदापा, तेरा नाम लिया मेरी गामा पापा दा दा पा दा दानी दानी दा पा नी दा नी दा पा गामा गामा नी दा नी दा पा दामा पा गा मारे गा मारे सा, सारे गा मा पा दा दानी जानी दा पा नी दा नी दा पा गामा गामा नी दा नी दा पा दा मा पा गा मारे गा मारे सा गामा दा दानी नी रे सा 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 दादा नी नी सा सा नी रे सा दा पा गामा पा पा दा पा दा दा नी सा नी दा पा नी दा नी दा पा गामा गा नी दा नी दा पा दा मा पा गा मारे गा मारे सा। आज काफ़ी टाइम ले लिया मैंने, 5वीं क्लास आज की हमारी कंप्लीट हुई। आज आपने अल्लाह हो अल्लाह जले शान हो अल्लाह तेरा नाम लिया मेरी होवे तसल्ला, ये कॉम्पोजिशन हमने इसको आज पूरा किया। तो मेरी पूरी उम्मीद है, मेरा गला कुछ साथ नहीं दे रहा था लेकिन नोटेशन जो अब मैंने गाई है, जिसकी नोटेशन आपको की है, आप काइंडली इसको रिवाइंड करके लिख लें ताकि आप उसको बजा सकें। तो इंशाल्लाह 6वीं क्लास में आपसे मुलाकात होती है। आज के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।